सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज आप लोगों को कक्षा द्वितीय में हिंदी पाठ पुस्तक पावनी में पाठ 7 बोलती गुफा का कॉपी कार्य कराऊंगी। आइए बच्चों, आप अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी में बच्चों सर्वप्रथम आप दो लाइन का सिरु रेखा खींचेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ 7 बोलती गुफा और मार्जिन लाइन के बाएं तरफ आज का दिनांक डालेंगे। जिस दिन आप लोग अपनी कॉपी में कार्य करेंगे उस दिन का दिनांक डालेंगे। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। यहाँ पर गुफा का चित्र बनाइए, आपको गुफा का यहाँ पर चित्र बनाना है। अब आप अपनी कॉपी में दूसरा पेज पलटिए। दूसरे पेज पर बच्चों दो लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे, बीच में लिखेंगे कठिन शब्द और मार्जिन लाइन के बाएं तरफ आज का दिनांक डालेंगे। पहले नंबर पर लिखेंगे चुपचाप, चुपचाप को आपको दो बार लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने दो डैश बनाया है। नंबर 2 पर लिखेंगे निशान, नंबर 3 पर लिखेंगे होशियार, नंबर 4 पर लिखेंगे स्वागत, नंबर 5 पर लिखेंगे चौकन्ना, नंबर 6 पर लिखेंगे मुस्कुराते और नंबर 7 पर लिखेंगे पंजो। अब इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में दो दो बार लिखना है, सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। अब दूसरा पेज पलटिए बच्चों। दूसरे पेज पर आप लोग वन लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे, फिर लिखेंगे पाठ 7 बोलती गुफा, मार्जिन लाइन के बाएं तरफ दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे शब्दार्थ। नंबर 1 पर लिखेंगे सियार, सियार का मतलब क्या होता है बच्चों? गीदड़। नंबर 2 पर लिखा है चौकन्ना, चौकन्ना का मतलब क्या होता है? सावधान। नंबर 3 पर लिखा है गुफा, गुफा का मतलब क्या होता है? खो। और नंबर 4 पे है स्वागत, स्वागत का मतलब होता है सत्कार। और नंबर 5 पे कम लिखा है भोजन, भोजन का मतलब होता है खाना। अब दूसरा पेज पलटिए बच्चों। दूसरे पेज पर बच्चों फिर हम एक लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे, फिर लिखेंगे पाठ 7 बोलती गुफा, इसके हम प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे। आज का दिनांक आप लोग डाल देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, से कहाँ रहता था? इसका उत्तर है बच्चों, शेर जंगल में रहता था। प्रश्न नंबर 2 है, गुफा में कौन रहता था? इसका उत्तर है, गुफा में एक सियार रहता था। प्रश्न नंबर 3 है, सियार को कैसे शक हुआ कि गुफा में छेद है? इसका उत्तर होगा, गुफा के बाहर पंजों के निशान को देखकर सियार को शक हुआ कि गुफा के अंदर शेर है। प्रश्न नंबर 4 है, सियार कैसा था? इसका उत्तर होगा, सियार बहुत चालाक था। इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। यहाँ पर आपका कॉपी कार्य समाप्त होता है और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।